हरदा जिले के खिड़किया में पूर्व पार्षद संदीप भदौरिया ने नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती यशोदा पाटिल सीएमओ आत्माराम साबरे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पौधे खरीदी में भ्रष्टाचार किया है। इस मामले में पूर्व पार्षद ने जिला कलेक्टर को जांच के लिए शिकायत आवेदन दिया है। इसके बाद एसडीएम ने प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू की है। उक्त मामले में फिलहाल दोनों ही पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं। जो आरोप लगाए गए हैं उसके अनुसार अशोक पेड़ 1100, वॉटल पाम 1200 रुपये में खरीदे। नगर पंचायत ने ये विज्ञप्ति भी जारी की थी। पूर्व पार्षद ने नर्सरी से अशोक के पौधे 150 और वॉटल पाम के 130 में उसी नर्सरी से खरीदने की बात कही है। नगर परिषद अध्यक्ष एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण के नाम पर वृक्ष खरीदे गए और बड़ी प्लानिंग से पहले इन्होंने इसकी व्यू रचना 2015 आठवें महीने में चालू करी, एक निविदा निकाली। निविदा के अगेंस्ट इनके पास 3 कोटेशन आए, अब्दुल्लागंज, मुहाल और उड़ा नर्सरी के, जिसमें अब्दुल्लागंज का सबसे कम दर होने से वो स्वीकृत हुआ था। तो इन लोगों द्वारा उसमें भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से एक निविदा समिति बनाई गई। निविदा समिति में ये उल्लेख किया गया कि ये इसकी अन्य नर्सरियों से इसकी दर अधिक होने के कारण ही निरस्त किया जाता है। उसके तुरंत 15 दिन बाद इनके द्वारा एक्चुअल रेट में हर्ष नर्सरी भैली टप्पर से 150 रुपये में एक अशोक का झाड़ खरीदा जाता है और उसके 7 दिन बाद यानी निरस्त करने के 22वें दिन बाद एक तुलनात्मक पत्रक बनाकर वही झाड़ 1100 रुपये में खरीदा जाता है। जो झाड़ मैं हर्ष नर्सरी से 150 रुपये का खरीद के लाता हूँ वो ये 1100 रुपये में खरीद रहे हैं। जो मैं 120 में खरीद के लाता हूँ वो ये 1200 में खरीद रहे हैं। जो मैं 130 में खरीद के लाता हूँ वो 1300 में खरीद रहे हैं। और उसके बाद मेरे द्वारा RTI जो लगाया गया था इनके द्वारा छुपाया जा रहा है। मेरे द्वारा ये मांग की गई थी कि मुझे अवगत कराया जाए कि किसके आदेश से दर निरस्त किए गए हैं, मुझे आज तक वो जानकारी प्रदान नहीं की गई है। हरदा से दोपहर न्यूज़ के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट।